शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण गेहूं व भूसा जलकर राख हो गया, जिसकी सूचना जब आला अधिकारियों को देना चाहिए तो किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया और दमकल की गाड़ी भी गांव में एक घंटा देरी से पहुंची, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त था। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के गांव कोथरा में भीषण आग लग गई। नवनिर्वाचित अनुसूचित जाति के प्रधान के घर की घटना बताई गई है। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण बड़ा हादसा हुआ। लाखों रुपए की गेहूं व भूसा जलकर व हजारों रुपए की संपत्ति का स्वाह हो गया। घटना के एक घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसे देखकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि फोन करने पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाया गया, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। कुछ नहीं बचा, कपड़ा है, सब चीज है, कुछ नहीं रही है, पैसा धेला सब गया। कैसे लगी है आग? लाइट से लगी है। लाइट से लगी है, लाइट से लगी है। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है? पूरा नुकसान है, घर तो की संग हो रही है। जो आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? आग लगने की सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? तो मौके पर पहुंचे वो लोग? नहीं पहुंचे। तो आग किस लिए बुझाई है? घंटे बाद गाड़ी आई है। मतलब जब तक पुलिस मौके पर फायर ब्रिगेड आई है, तब तक आप लोग आपको क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? अग्निकांड घटना हुआ है, सब आग लगी है लाभ से। अच्छा, आग कैसे लगी हुई, क्या कारण रहे? ये कारण की तो सर ये लाइट शॉर्ट हो गई थी यहाँ पर बिजली का, तो बात समझ में पहले यहाँ पड़ी है बुर्जी में तो सबरा लग गई। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया साहब, कम से कम चार पांच घर का नुकसान हो गया। मतलब क्या क्या नुकसान हुआ, किस किस में आग लगी? गेहूं भी जल गए, भी जल गए, लकड़ियां भी जली हैं, घाट पीढ़ी बर्तन सब जल गए। राशन पूरी राशन जल गए। पुलिस को फायर ब्रिगेड को सूचना दी आपने? जी हमने दी है, खूब दी है जी। तो वो मौके पर आए? नहीं आए, एक डेढ़ घंटा बाद आए। अच्छा, जब तक आग बुझ चुकी है? आग बुझ चुकी जी, अभी ना SDM पहुंचा है, ना तहसीलदार पहुंचा है, ना तो अभी SDM को मैंने सूचना दी है, DM को सूचना दे दी है, SDM, SDO, SC सबको सूचना दी है, ना तहसीलदार पहुंचा, ना पटवारी पहुंचा है, अभी मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। फायर ब्रिगेड भी एक डेढ़ घंटे पहले, एक घंटे बाद आई है यहाँ पे, मैंने DM को सूचना दी, उसके एक घंटे बाद आई थी थाने, यहाँ से आदमी गया लेने, जब जाके गाड़ी आई है, कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा अधिकारी, अभी तो कोई आया ही नहीं है पुलिस के और फायर ब्रिगेड के सिवा। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, इनके जितने नुकसान हुए उसकी भरपाई हो, और क्या भरपाई? ये बहुत गरीब आदमी है, वाल्मीकि है, गरीब आदमी है, इनको सहायता मिलनी चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए, प्रशासन इनका देखे, हाथ भी जल चुके हैं लोगों के बहुत ज्यादा। वृंदावन में बसेरा ग्रुप